पंजाब विधानसभा में आज पेश होगा साल 2016-17 का बजट। वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा पर टिकी सबकी निगाह। पंजाब विधानसभा में एसवाईएल की जमीन डी नोटिफाई करने का बिल पास। सरकार के बिल को विपक्ष का भी मिला साथ। बिल को मंजूर करने की मांग को लेकर आज राज्यपाल से मिलेंगे पंजाब के विधायक। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हरियाणा को देने के लिए पंजाब के पास पानी ही नहीं है। पानी दें तो आखिर कहां से। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने पंजाब के फैसलों को नियमों और कानून के मुताबिक बताया है। एसवाईएल पर पंजाब के बिल का हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी किया विरोध। उन्होंने कहा कि ये बिल संघीय ढांचे पर हमला है। एसवाईएल पर हरियाणा सरकार भी ला सकती है विधानसभा में एक प्रस्ताव। सीएम ने जताई विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की उम्मीद। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले सदन से आईएनएलडी विधायकों ने एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई का मुद्दा उठाया। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन ने एसवाईएल पर पंजाब के फैसले को गलत बताया। मोहाली में भारतीय किसान यूनियन एकता की तरफ से रोष मार्च किया गया। विधानसभा तक रोष प्रदर्शन करने निकले किसानों को बीच में ही पुलिस ने रोक दिया। दलित वोट बैंक पर टिकी सियासी दलों की नजर। बीएसपी संस्थापक कांशीराम की जयंती पर आज अरविंद केजरीवाल जाएंगे दलितों के सबसे शक्तिशाली केंद्र डेरा बल्ला। कांशीराम की छोटी बहन स्वर्ण कौर से भी करेंगे मुलाकात। कांशीराम की जयंती पर मायावती भी आज भरेंगी पंजाब में हुंकार। नवांशहर में करेंगी रैली। बेमौसमी बारिश से पंजाब के मलेरकोटला में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। गेहूं और सब्जियों की फसल पैदावार में काफी कमी हो सकती है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन हंगामे के पूरे आसार। कल सरकार पर सवाल उठाते हुए राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस ने सदन से किया था वॉकआउट। राजद्रोह के आरोपी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी होगी या नहीं आज होगा फैसला। जज के छुट्टी के होने की वजह से कल नहीं हुई थी सुनवाई। कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने एक बार फिर जाटों पर साधा निशाना। कहा कि एक बार फिर आंदोलन की धमकी देकर आरक्षण हासिल करना गलत है। सात सूत्रीय मांगों को लेकर हरियाणा में फिर भरी जाट समुदाय ने आंदोलन की हुंकार। हरियाणा के सभी जिलों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग उठने लगी है। सिरसा में इसको लेकर जाटों ने प्रदर्शन किया। शिमला से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध चुने गए पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा। लंबी जद्दोजहद और खराब मौसम के बीच एयरलिफ्ट किए गए चंद्रखनी पास में फंसे बाकी दोनों युवक। दोनों की हालत ठीक। एसडीएम बोली मुश्किल था रेस्क्यू मिशन। ड्रोन से ली गई चंद्रखनी पास की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के पास। तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रशासन और बचाव दल का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बधाई दी। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही है बर्फबारी। सैलानियों की पहली पसंद कुफरी में भी भारी बर्फबारी। पीर पंजाल की ऊंचाई वाले इलाकों में तीसरे दिन भी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल में खतरनाक हिमस्खलन वाले क्षेत्रों में से है पीर पंजाल और 13,000 फीट की ऊंचाई पर है पीर पंजाल। मंडी में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक शाम पंजाबी गायक मीका सिंह के नाम रही। 2016 वर्ल्ड T20 में भारत अपने सफर की आज से शुरुआत करेगा। नागपुर में होगी टीम इंडिया की न्यूजीलैंड से टक्कर।